पूरे देश में भारत का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर हर एक घर में जहां आज से तिरंगा फहराया जाएगा, वहीं कई जगहों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। भागलपुर शहर के सैंडिस कंपाउंड से भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की 2 सदस्यीय टीम यहां आकर यात्रा का पूरे तरीके से मुआयना करी और कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल और प्रशस्ति पत्र सौंपा है। सैंडिस कंपाउंड से बीजेपी नेता अर्जित शाश्वत चौबे, जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह सहित कहलगांव बीजेपी विधायक पवन यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 75 फीट का लंबा तिरंगा के साथ साथ 75 स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में बच्चों को सजाकर यात्रा निकाली, जो सेंटिस कंपाउंड से निकलकर खलीफाबाग चौक होते हुए लाजपत पार्क में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों हजार की संख्या में आम लोगों के साथ साथ कई स्कूल के बच्चे बच्चियों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ यात्रा निकाली और भारत माता के जय के नारों से पूरा शहर गुंजायमान रहा। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने बताया कि 75 स्वतंत्रता सेनानियों और 75 मीटर के तिरंगे के साथ निकाली गई यात्रा को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वहीं जमुई के विधायक ने कहा कि भागलपुर पहले भी 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर चुका है और आज 3री बार भी यहां के लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कराया है, जिसके लिए उन्होंने यहां के लोगों को बधाई दी है। आपके सामने बना है, इसमें मुख्य रूप से भारत का 75 मीटर का जो ध्वज है, आपने देखा किस प्रकार से फहराता हुआ पूरे शहर में ये घूमता हुआ आज यहाँ पर उपस्थित हो पाया। हम सब लोगों ने सम्मान के साथ उस ध्वज को यहाँ लाए और जनमानस का सपोर्ट मिला, बहुत सारे स्कूलों का सपोर्ट मिला, संगठनों का सपोर्ट मिला और 75 स्वतंत्रता सेनानी के भेष में आपने देखा कि जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आए थे, इस सब लोगों मिल करके और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में सफल हुए हैं। सम्मान के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है और यहाँ भागलपुर बिहार की धरती पे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी है और गर्व भी होता है। उर्मी, जो अपना 75 जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें 75 फुट लंबाई का एंड 75 स्टूडेंट जिन्होंने फ्रीडम फाइटर के वेशभूषा में इस तिरंगे को होस्ट किया है, तो दिस इज अ यूनिक रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ बच्चों ने जो फ्रीडम फाइटर के वेश उन्होंने किया है, फहराया है, होस्ट किया है। This is a unique record जो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भागलपुर कमर कस तैयार है। जिले में 15 अगस्त को लेकर खास तैयारियां की गई हैं, जिन्हें अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। दंगा नियंत्रण बल से लेकर एनसीसी तक परेड की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। वहीं आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा सैंडिस कंपाउंड में 15 अगस्त को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया गया। मैदान की सजावट से लेकर जवानों की परेड की तैयारी तक को बारीकी से देखा गया। जवानों के द्वारा किए जा रहे परेड की तैयारी का भी निरीक्षण किया गया। परेड की तैयारियां कुछ हफ्तों पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इस साल पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी कारण भागलपुर में भी हर चीज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परेड की फाइनल रिहर्सल हुई है, जिसमें हमारे दंगा निरोधी बल, जिला पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी के जवानों ने भाग लिया है और सभी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा परेड का प्रदर्शन किया है। पूरी तैयारी है और पूरी उम्मीद है कि परसों के दिन बहुत ही अच्छी परेड यहाँ देखने को मिलेगी। 15 अगस्त को लेकर के हम लोगों की सारी तैयारी पूरी है और आज फाइनल रिहर्सल भी हुआ है, हम लोगों ने देखा है और काफ़ी जो है अच्छी तैयारी है। जितने भी प्लाटून्स लगे हुए हैं, उन लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी टुकड़ियाँ जो हैं वो करेंगे। भागलपुर में पुलिस ने प्रेमी जोड़े का मिलन करवाया है। पुलिस को साक्षी मानकर हुई शादी का मामला इशाकचक थाने का है। इशाकचक थाने में प्रेमी जोड़े की शादी पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में करवाई गई। दरअसल झारखंड के गोड्डा की रहने वाली आशा कुमारी और बांका जिले के रजौन के रहने वाले रविंद्र कुमार के बीच की लव स्टोरी सालों पुरानी है। साल 2018 में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ था। प्रेम कहानी किसी फिल्म की तरह चल रही थी और प्रेमिका ने शादी की बात की, लेकिन उसके बाद से सब बदलने लगा। आशा और रविंद्र के बीच शादी के मुद्दे को लेकर कई झगड़े हुए। आशा शादी की जिद करती और रविंद्र इनकार कर देता। इसी बीच आशा अपनी जिद लिए रविंद्र के गांव तक चली आई। आशा का कहना है कि रविंद्र ने शादी करने का वादा कर उसे बिहार बुलाया, लेकिन उसके पहुंचने के बाद अपने वादे से मुकर गया। प्रेमी के द्वारा शादी करने से लगातार इनकार किया जा रहा था और 2 दिन पहले लड़की के जिद करने पर प्रेमी लड़के को शादी करने के लिए भागलपुर बुलाया गया था, लेकिन यहाँ भी टालम टोल कर रहा था। जिसके बाद लड़की अपने परिजनों के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। उसके परिजनों ने इशाकचक थाने में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया। देर रात दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पुलिस लाइन में स्थित शिव मंदिर में दोनों का विवाह कराया गया। वहीं
भाई परिजन भी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी वर वधू को आशीर्वाद देकर घर ले गए हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड के कोशी पार कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत कंचनपुर कदवा निवासी यादव शाह उर्फ यदुनंदन शाह के 30 वर्षीय पुत्र निरंजन कुमार की मौत कोशी नदी में डूबने से हो गई है। निरंजन की मौत 3 दिन पहले हो गई थी। परिवार वाले 3 दिनों से निरंजन की खोजबीन कर रहे थे लेकिन कहीं से उसका पता नहीं चल पा रहा था। शुक्रवार की सुबह जब गाँव के कुछ किसान अपने खेतों में काम करने जा रहे थे तो निरंजन का शव पानी में तैरता हुआ देखा और इसकी सूचना परिवार वालों को दी। जहां मृतक के पिता यादव शाह ने घटनास्थल पर जाकर शव की जान की। उधर निरंजन की मौत की खबर सुनते ही मां सुगंधी देवी चित्कार उठी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना कदवा ओपी थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे एसआई अनिल कुमार रविदास व ग्रामीण पुलिस हीरा राय ने ग्रामीणों की मदद से शव को कोशी धार से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा गया। निरंजन का मौत हुआ, सूता था, उसको उठाए कुट्टी काटने के लिए, दो टोकरी कुट्टी किया, उसके बाद मशीन छोड़ कर को दक्षिण साइड गया। कब की घटना है? 1 बजे। कब की? आज 3 रोज हो गया सर। 3 दिन पहले उसका मौत हुआ है? नहीं नहीं, तब मौत हुआ 3 रोज हो गया। पता कैसे चला? पता हम 4 रोज से खोज रहे थे कहाँ है, झाड़ी उड़ी में बैठा है, कहीं खेत में है, कहीं से पता नहीं चल पा रहा था। नहीं चल पा रहा था। आज हम खोजे कोसी किनारा, ठीक, कहीं नहीं मिला सर। आकर को एक बच्चा देखा, वो ड्राइवर जो था वो उसने। आज़ादी के 75वें वर्ष पर मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा जगदीशपुर मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली। इस कार्यक्रम के प्रभारी सह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय कुशवाहा, जगदीशपुर भाजपा के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा ने जगदीशपुर प्रखंड के स्थानीय निवासियों से आग्रह किया कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वे अपने दुकानों एवं घरों पर 13 से 15 अगस्त तक 3 दिनों के लिए तिरंगा अवश्य लगाए। बाइक रैली जगदीशपुर दुर्गा स्थान से प्रखंड कार्यालय सनहोला मोड़ एवं सनहोला मोड़ से जगदीशपुर बाजार पुरेनी बलुआचक मखना जमीन फुलवारिया बैजानी पिस्ता जमनी खीरी बांध बाईपास तक तिरंगा यात्रा निकली। इस तिरंगा यात्रा में ज्ञानवर्धन झा, बुद्धिनाथ सिंह, बैद्यनाथ मंडल, हरिप्रसाद, छोटू कुमार, विकास कुमार, मोहम्मद बुल्ली, उत्तम चौधरी, जितेंद्र पासवान, प्रकाश चौबे, शांति देवी, किरण देवी, तारा देवी, मनोज राय, मंटू मंडल, ज्योतिष कुमार, जितेंद्र पासवान, रोशन झा, उज्जवल झा, शशिकांत झा एवं अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साल का यह 3रा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ जहां देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोक अदालत को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोक अदालत के दौरान बैंक, बिजली सहित अन्य मामलों को लेकर लोक अदालत में मामले निष्पादित किए जाएंगे। निष्पादन के लिए भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में कुल 25 बेंच बनाए गए हैं जिसमें फरियादी अपने मामलों का निष्पादन करेंगे। वहीं कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लोक अदालत को लेकर मौजूद थे। हम लोग का भागलपुर में से 18 बेंच बनाए गए हैं, आपके नवगछिया में 6 बेंच है, 1 बेंच कहलगांव में है, मतलब कुल 25 बेंच बनाए गए हैं। इसमें सभी तरह के फौजदारी मामले, सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा, MSAT के मामले रहेंगे, बिजली का बिल रहेगा, आपका BSNL है, बैंक के मामले रहेंगे, इसके अलावा वेट मेजरमेंट है और जितने भी मामलों का हम लोग आज सुलह के आधार पर उसका निष्पादन करेंगे। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग अधिक से अधिक मुकदमों का निपटारा करें। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जेल रोड में तेज रफ्तार से ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इसमें सवार आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। बच्चे आज सुबह स्कूल जा रहे थे। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इनमें से 2 स्टूडेंट्स की हालत गंभीर है। सभी बच्चों को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भीखनपुर से ऑटो पर करीब 1 दर्जन बच्चे सवार होकर 0 माइल थाना क्षेत्र के रानी तालाब स्थित माउंट ACC स्कूल
जा रहे थे। इसी बीच जीरो माइल की तरफ से तेज रफ्तार से ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ऑटो पर सवार आधा दर्जन बच्चे जख्मी हो गए। इसमें से दो छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुबह में जो है कि हम लोग घर से ही थे और टेलीफोन आया कि जो है एक्सीडेंट कर दिया टेम्पो, ड्राइवर से पूछे तो ड्राइवर बताया कि जो है ट्रक वाला है, ट्रक वाला सीधा सीधी धक्का मारा है, चार बच्चा जो है कि इंजोर्ड हो गया है, जो है कि ट्रक वाला भाग गया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य विद्यालय जगदीशपुर के बच्चों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा आयोजित कर हर घर तिरंगा अभियान के हेतु जागरूकता रैली निकालकर आम जन को जागरूक किया। विद्यालय के बाद संसद सदस्य तथा शिक्षक घर घर जाकर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने सभी अभिभावकों से हर घर पर तिरंगा लगाने का निवेदन किया। इस कार्यक्रम में शिक्षक बिंदु कुमारी, फूल कुमारी, सपना कुमारी, कौशल्या कुमारी, भारती कुमारी, नवल किशोर, आग्रह नीरज, अविनाश सरोज, वासुदेव के साथ विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए आज़ादी की गौरव यात्रा के तहत भागलपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्कूली बच्चों व कई संस्थानों के लोगों ने हाथ में तिरंगा लिए इस गौरव यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए वंदे मातरम के नारे के साथ आगे बढ़ते दिखे। यह कार्यक्रम परवेज जमाल की अगुवाई में किया गया। परवेज जमाल ने बताया कि यह कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है और यह 75 साल ही नहीं, यह हर साल मनाया जाता है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और इस वर्षगांठ में उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी अपने मातृभूमि के लिए, उन पर जो उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम पिरोजपुर की ओर से विवाह भवन में रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुमका से आई बीके जयमाला दीदी, बीके रेखा दीदी और बीके लीला दीवी ने सैकड़ों भाई बहनों के कलाई पर राखी बांधी, साथ ही साथ क्षेत्रीय चिकित्सकों को भी सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर योगेश कौशल, डॉक्टर भवेश कुमार, डॉक्टर नारायण राम को मेडल, प्रमाण पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। बीके नरेंद्र भाई ने भाई बहन के रिश्ते के पवित्र संबंध के बारे में बताया। उक्त अवसर पर बीके भावना बहन, बीके काशी राणा, प्राचार्य केशव मिश्रा, स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद, सुशील भगत, साहित्यकार हरेराम निराला, चंदन राज, सुदामा महतो, भोजपुरी गीतकार अभिनंदन यादव, शिक्षक मणि प्रसाद मंडल, चमकलाल यादव, गुरुदेव सर, वीरू भाई, सिकंदर पंडित, साहित्यकार अमरेंद्र तिवारी और गीतकार कार्तिक कुमार के अलावा कई भाई बहने उपस्थित थे। माँ संगीत सदन के छोटे बच्चों ने आकर्षक राखी गीत और शिव बाबा के गीत पर नृत्य की प्रस्तुति की। नृत्य में भाग लेने वाली जानवी, आशी, लाडली, राजकुमारी और नैन्सी कुमारी को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मुकेश आजाद ने मंच संचालन किया। रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज पहले दिन बच्चों के बीच रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं कल यानी रविवार को आज़ादी के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि भागलपुर के सिटी SP स्वर्णप्रभात, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार होंगे। सोमवार को झंडा तोलन होगा। उक्त जानकारी रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय के सचिव शारजानंद मिश्र ने दी। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड मुख्यालय में राजकुमार सिंह प्रदेश कार्य समिति सदस्य की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक किया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गौराडीह प्रखंड के परिसर में धरना दिया गया। मौके पर गौराडीह पूर्वी जिला परिषद प्रतिनिधि देवेंद्र भारती उर्फ डब्लू सिंह, मंडल महामंत्री दिनेश कुशवाहा, जिला मंत्री सुरेश मंडल, जिला युवा मोर्चा मंत्री कौशल कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नवीन कुमार पासवान के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड जयपुर चूहर पश्चिम बंगाल के JP कॉलेज के पीछे शनिवार को नवगछिया SDM यतेंद्र पाल और SDPO दिलीप कुमार के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी के साथ पहुंचकर पर्चाधारी की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया।
22 विस्थापित को प्रशासनिक स्तर पर घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाकर पर्चा दिया गया था, लेकिन पर्चाधारी के द्वारा उस जमीन पर घर बनाने से पहले 44 विस्थापितों ने अवैध रूप से झोपड़ी बना ली थी, जिसके कारण पर्चाधारी व्यक्ति घर बनाने से वंचित रह गया। पर्चाधारी के द्वारा पर्चाधारी नवगछिया SDM जितेंद्र पाल को शिकायत की गई। शिकायत के बाद सुनवाई भी नवगछिया SDM ने की। स्थल पर जाकर अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा था, लेकिन नहीं हटाया। इसके बाद उस पर मुकदमा भी हुआ, फिर भी झोपड़ी नहीं हटी, तो उसके बाद नवगछिया SDM के आदेश पर JCB से अवैध झोपड़ी को तोड़ा गया और पर्चाधारी को बसाने का कवायद शुरू हो गया। इसी बीच जिस व्यक्ति की झोपड़ी हटी, उसने प्रशासन से मांग की है कि हम लोगों को भी जमीन दी जाए। इस पर नवगछिया SDM यतेंद्र पाल और SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि जिसे जमीन नहीं है वह आवश्यक कागजात के साथ कार्यालय में आकर आवेदन दीजिए, जांच करके भूमिहीन को जमीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे विस्थापितों के लिए भी 75 डिसमिल जमीन है, जहां जांच के उपरांत बसाया जाएगा, किसी को बेघर नहीं रखा जाएगा। यदि किसी बहकावे में आकर कानून को हाथ में लेते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी विस्थापित को बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन पर अवैध कब्जाधारी शांत हुआ। रविवार की सुबह 7 बजे से अवैध कब्जाधारी को भी जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू होगी।